What do you think are your team's chances in the cup? We're here to win. To win the World Cup. What else we here for? इस पल से शुरू हुआ वो किस्सा जो क्रिकेट जगत में मिसाल बनकर रह गया। एक और थे अब से 25 दिन में भारतीय क्रिकेट में अमर होने वाले कप्तान कपिल देव, और दूसरी ओर उस समय के प्रख्यात जर्नलिस्ट में से एक डेविड फ्रिथ। अगले 25 दिनों में इनमें से एक इतिहास बनाने वाला था और दूसरा लॉर्ड्स के प्रेस रूम में बैठकर न्यूज़पेपर के टुकड़े खाने वाला था। आज हम जानेंगे इस फोटो के पीछे की कहानी, एक देश के वर्ल्ड कप जीतने के नहीं बल्कि एक आदमी के लाखों दिल जीतने की कहानी। 1978, 41 साल की डेविड अपने ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़ा है। वो पिछले 5 साल से यही काम कर रहा है, ऐसे 5 साल जिसका हर एक दिन किसी सजा से कम नहीं था। ऑफिस के सभी लोग पहले दिन से ही उनके खिलाफ थे। उनकी गलती थी सिर्फ एक, भले ही उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ हो और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंग्लैंड में बिताई हो, पर उनकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इस एक बात से उन्हें एक सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया गया था। ऐसा बंदा जो इंग्लिश लोगों का बॉस बनने के लायक नहीं था। पर जो हुआ सो हुआ, अब से ठीक 1 साल बाद क्रिकेट का सेकंड वर्ल्ड कप होना था और डेविड के पास एक पूरा रोड मैप तैयार था। उन्हें यकीन था कि इस रोड मैप की बदौलत वो अपने मैगजीन को सफलता के नए शिखर पे ले जाएंगे। अगले 1 साल में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। जिंदगी बदली जरूर, पर 1 साल में नहीं, सिर्फ 10 मिनट में। आज सुबह 10 मिनट में डेविड को उनके नौकरी से निकाल दिया गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ सामान उठाओ और चलते बनो। वो बर्खास्त हुआ डेविड अब उनके ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़ा था। अंदर निराशा, जिल्लत, गुस्सा और अनेक भावनाएं, पर बाहर सिर्फ चुप्पी। और उस चुप्पी में उनके भावनाओं के तूफान के बीच उन्होंने एक निर्णय लिया, इस जिल्लत का हिसाब मैं जरूर चुकता करूंगा। मुझे निकालने की कीमत तुम सब चुकाओगे, अब जंग होगी। 1 साल, सिर्फ 1 साल के अंदर डेविड फिर उसी ऑफिस के बाहर खड़ा था, क्योंकि ठीक 1 साल के अंदर सेकंड वर्ल्ड कप के ठीक पहले उन्होंने खुद की एक मंथली मैगजीन रिलीज की थी जो उनके पुराने मैगजीन के डायरेक्ट कंपटीशन में खड़ी थी। नाम विजडन क्रिकेट मंथली, और रिलीज होते ही पहले इश्यू में WCM ने द क्रिकेटर्स के सेल्स रिकॉर्ड को बर्बाद करके छोड़ दिया। पहले इश्यू के बाद महीने दर महीने, साल दर साल WCM क्रिकेटर को हराता रहा और धीरे धीरे क्रिकेट मैगजीन्स में नंबर 1 की पोजीशन हथियाई। अब इस सफलता के पीछे का कारण जितना सिंपल था उतना ही यूनिक। डेविड का ये मानना था कि वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे लिखेंगे जिसे पढ़ने में उन्हें मजा आए, इसे पढ़ने में एक क्रिकेट फैन को मजा आए। अगर इंटरेस्टिंग हो तो इन, वरना सीधे आउट। अगले 4 साल तक इस फॉर्मूला ने द क्रिकेटर की कमर तोड़ के रख दी। धीरे धीरे वहां के भी लोग समझने लगे। जब तक 1983 का वर्ल्ड कप क्षितिज पे था, खमासान युद्ध छिड़ चुका था। दोनों अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने आर्टिकल्स को मिर्च मसाला लगाने में जुटे हुए थे, और इसके बीच 1983 का प्री वर्ल्ड कप एडिशन जून में रिलीज हुआ, जिसके एक आर्टिकल में डेविड ने भारत पर निशाना साधा। अब उस पॉइंट तक दुनिया के नजरों में इंडियन क्रिकेट की इमेज काफी सिंपल सी थी, घर पर जीतो, बाकी सब जगह हारो और टेस्ट को छोड़कर किसी पे भी ध्यान मत दो, और नंबर्स इसको सपोर्ट करते थे। ODI शुरू होने के बाद भारत ने 93 टेस्ट मैचेस खेले थे और सिर्फ 40 ODIs, और उन 40 में से 70% में हार। वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तो और भी बर्बाद था, 2 वर्ल्ड कप और सिर्फ 1 मैच में जीत। लास्ट वर्ल्ड कप में तो श्रीलंका से भी हार हुई थी। श्रीलंका जो उस वक्त एक एसोसिएट नेशन था, यानी जिसको वर्ल्ड कप में आने के लिए क्वालिफाइंग राउंड जीतने पड़े थे, हम उनके सामने हार गए थे। इस इमेज के चलते आया डेविड का आर्टिकल। अगर इंडिया को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है और उनको वर्ल्ड कप में अपनी जीजा नहीं लगानी है, तो अब से वो अपनी वर्ल्ड कप की सीट किसी और को दे दे। इंडिया तो इस बार जल्दी एग्जिट करेगी ही, और अगर वो खुद को ODIs के लिए ट्रेन नहीं करती तो उससे अच्छा होगा कि अगले वर्ल्ड कप से वो अपना नाम हटा ले। अगर भारत ग्रुप स्टेज से भी निकल पाया तो आई विल ईट माई वर्ड्स, यानी मैं अपने शब्द खाऊंगा। ये एक इंग्लिश मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि मैं अपनी गलती मान लूंगा। अब ये सब पढ़कर गुस्सा आना स्वाभाविक है, और ये सोचना भी स्वाभाविक है कि शायद डेविड इंडियन क्रिकेट से नफरत करते हो, पर पिछले 40 साल में लिखे आर्टिकल्स और बुक्स के बीच एक बात बड़ी आसानी से समझ में आती है, डेविड को क्रिकेट से बेहद लगाव था।
और इंडियन क्रिकेट में बेहद निराशा। उन्हें यकीन था कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के पास वो टैलेंट था, वो एक्सपीरियंस था कि वो क्रिकेट के टॉप टीम्स को चैलेंज कर पाए, पर हर बार बड़े टूर्नामेंट्स में बदतर से बदतर हार। उनका कहना था कि हारना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं, पर जीतने की कोशिश भी ना करना उससे ज्यादा निराशाजनक हो भी क्या सकता है। और अगर आप 1983 में BCCI का बर्ताव देखे तो साफ दिखाई देता है कि किसी को भी इंडिया जीतने की उम्मीद नहीं थी। कोई फेयरवेल प्रोग्राम नहीं, वेजिटेरियंस के खाने का कोई इंतजाम नहीं, यहाँ तक के टीम के मैनेजर PR मानसिंह को लॉर्ड्स की सर्टिफिकेशन तक नहीं दिलवाई गई। ये सब वहां जाकर खुद PR सिंह को करना पड़ा था। तो इस वर्ल्ड कप में हम सिर्फ चेहरा दिखाकर वापस आने वाले थे। BCCI से लेकर फैंस तक सबका यही सोचना था, सबका सिवाय एक, कपिल देव। वो तो वहां जीतने के लिए आए थे। अब उस समय लोग उनकी इस घोषणा को मजाक समझ रहे थे, पर अगर आप नंबर्स को गौर से देखो तो एक बात समझ में आएगी। उन 40 ODI मैचेस में से 26 मैचेस ये सिर्फ पिछले 4 साल में खेले गए थे, और उन 26 में से 3 हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, इंग्लैंड को हमने घर पे हराया था, श्रीलंका को बर्बाद करके छोड़ दिया था, और आखिरकार इस वर्ल्ड कप के ठीक पहले हमने वेस्ट इंडीज में जाकर वेस्ट इंडीज को हराया था। फिर भले ही वो एक ODI मैच क्यों ना हो, तो भले ही पूरी की पूरी दुनिया इस इंडियन कप्तान पे हंस रही थी, भारत ने एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप का आगाज किया। एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसका अंत हुआ 25 जुलाई को, कपिल देव ने लॉर्ड्स के मैदान पे खड़े होकर वर्ल्ड कप उठाया। पहली बार एक एशियन देश ने वर्ल्ड कप जीता था, और डेविड खुद ये नजारा उसी लॉर्ड्स के प्रेस बॉक्स में बैठकर देख रहे थे। डेविड ने दुनिया के सामने की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। एक प्रख्यात जर्नलिस्ट के लिए इससे बड़ी जिल्लत और कुछ नहीं हो सकती। लोग आज उन पे हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। वो चाहते तो ठीक पहले की तरह पलटवार करते, हजारों बहाने देते या फिर उठकर निकल जाते, पर डेविड वहां खड़े रहे और जोर जोर से ताली बजाते रहे। फिर इंडियन टीम के साथ उनके होटल पहुंचे, और वहां उस होटल के वरंडा में पाजी के साथ जीत का भंगड़ा करते हुए पाए गए। हमें डेविड के शब्द सुनकर आज गुस्सा आता है, तो सोचे उन प्लेयर्स को कितना गुस्सा आया होगा। पर वो जीत की रात खत्म होते होते भारतीय टीम के हर एक सदस्य ने डेविड फ्रीड के लॉर्ड्स के प्रोग्राम पर खुद का दस्तखत किया था। भारत जीत चुका था, डेविड हार चुके थे, पर दोनों ने पूरी रात जीत के जश्न में गुजारी थी। अगली सुबह जब इंडियन टीम घर के लिए लौट रही थी, डेविड के ऑफिस में मानो मातम छाया हुआ था, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से उन्हें लेटर्स आने शुरू हो गए थे। टॉपिक सिर्फ एक, डेविड का वो आर्टिकल, और उन सैकड़ों लेटर्स में से एक था मानसिंह नाम के व्यक्ति का। अब यहाँ जरा कंफ्यूजन है, कुछ सूत्रों का कहना है कि ये लेटर इंडिया के मैनेजर PR मानसिंह का है, पर लेटर में एड्रेस न्यू जर्सी का दिया है, जहाँ मैनेजर मानसिंह कभी गए नहीं थे। पर बंदा उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना वो लेटर है, जिसमें लिखा था, मैं इस लेटर के साथ आपके उस आर्टिकल्स की कटिंग भेज रहा हूँ, इसे चॉकलेट के साथ लीजिए या एल या स्टाउट जैसे किसी पेय के साथ, पर आपको आपके लिखे ये शब्द वास्तव में निगलने पड़ेंगे। अब ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, उन्होंने जो लिखा था केवल एक मुहावरा था, उसके ऊपर डेविड फ्रिथ उस वक्त दुनिया के सबसे कामयाब क्रिकेट मैगजीन के एक लौते फाउंडर और एडिटर थे। अगर वो चाहते तो सीधा सारे लेटर्स को इग्नोर कर देते, उनका ना कोई बॉस था ना कोई शेयर होल्डर्स, कोई उनसे कुछ भी करवा नहीं सकता था। पर डेविड ने अपने मैगजीन के सितंबर के इशू में मानसिंह का वो लेटर छपवा दिया, और उसके साथ छापा खुद का लॉर्ड्स के प्रेस रूम में बैठकर वो आर्टिकल खाते हुए निकाला गया पिक्चर। पिक्चर के नीचे लिखा था, देखिए कैसे मुझे अपने शब्द निगलने पड़े। फिर उन्होंने यही फोटो अपने लोकल न्यूज़पेपर में भी छपवाया। डेविड ने खुद के हाथों से खुद के बेइज्जत मंजर दुनिया को बता दिया था, और ये कर उन्होंने लाखों दिल जीत लिए। उन लाखों में से एक था वो मानसिंह, जिसने मैगजीन में अपना लेटर छपा देखकर छट से एक और लेटर लिखा। इस बार डेविड को एक जेंटलमैन और स्पोर्ट्समैन बुलाते हुए उन्होंने उनके पहले लेटर में इस्तेमाल की गई भाषा पर खेद प्रकट किया, और अंत में डेविड को न्यू जर्सी में उनके घर आमंत्रित किया। एक कहानी जिसकी शुरुआत एक आलोचना भरे आर्टिकल से हुई थी, उसका अंत घर आने के न्योते से हुआ था। इस कहानी को खत्म करते करते मैं सिर्फ एक बात पे गौर करना चाहूंगा, वो लेटर जिसमें डेविड की निंदा हुई थी,
जिसमें उनकी की गई गलती का विस्तार में खंडन हुआ था। उस लेटर को उन्होंने अपने मैगजीन में पब्लिश किया, पर उसके बाद आया लेटर जिसमें उनकी प्रशंसा की गई थी। वो लेटर अगले कई साल तक उनके ड्रॉवर के अंधेरे में छुपा रहा, लोगों के आंखों से कोसों दूर। अगर दुनिया इंसान को उनके कर्मों से पहचानती है, तो डेविड फ्रिथ को ये दुनिया कैसे पहचानेगी? ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है पिछले 4 महीनों से हमारा कोई वीडियो नहीं आया, एक के बाद एक घर पे फैमिली इमरजेंसीज और मेडिकल इमरजेंसीज हो रखी थी, बट थैंकफुली अभी सब कुछ ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।